अरे आप बात कर रहे थे एमए की, अरे आपने 370 लगाकर कश्मीर में दलित पीएचडी कर लेता था, लेकिन कहते थे तुमको चपरासी भी नहीं बनने देंगे, तुमको सिर्फ नाली साफ करना है। ये 370 आपने लगा के दलितों का आरक्षण का अधिकार छीना था, और आप कहते कथनी और करनी, अरे दो कमरे का मकान से शीश महल में रहने लगे, कथनी और करनी की बात करते हो। आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, आधा पार्टी पूरी पार्टी और आधा पार्टी पूरी कैबिनेट तिहार में बैठी हुई है, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हो। अरे शर्म आना चाहिए कि महिला संतोष कोहली की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हुए आपने पार्टी बनाई, जैसे आप सत्ता में आए संतोष कोहली को भूल गए। और सर जब्बाद भाई कह रहे थे जाति, मोदी जी ने तो जाति गिना, उन्होंने कहा दो जाति है, एक अमीर एक गरीब, और 38 करोड़ गरीबों को हमने अमीर में बनाया, गरीबी उनकी खत्म की, ये होना चाहिए। प्रतीक भाई आप जो बात कह रहे हैं, मैं कई जगह पे आपकी बात से सहमत हूँ, जातिवाद भी खत्म होना चाहिए, यही कह रहे हैं ना, और क्षेत्रवाद, मैं कह रहा हूँ जुमलेवाद भी खत्म होना चाहिए। 2014 से जो जुमलेबाजी चल रही है देश के सामने, उसको खत्म होने की जरूरत है। देश के अंदर अगर बात होना चाहिए तो लोगों के हितों की बात होना चाहिए। राइट जी, हाँ बोलिए। सर मैं आप पहले तो आपसे एक मेरी बहुत सबसे बड़ी गिला है, फ्राइडे को आपने एक सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो बीजेपी सारी पार्टी का जवाब देगी, 10 चोर एक साथ है। फिर आप बोलते मैं सच्चाई बोलता हूँ, आप ये बोलते हो जब मैं किसी को मैं चोर हूँ, मैं चोर नहीं बोला, आप बोलते मेरे न्यूज में आप चोर नहीं बोलोगे, जैसे केजरीवाल चोर है तो चोर को चोरी बोलना पड़ेगा ना, कांग्रेस चोर है तो चोरी बोलना पड़ेगा, आपका ये गिला रहता है कि चोर नहीं बोले, तो जब सच्चाई कैसे सामने आएगी पहले बताओ। जी जी कैसे आएगी उसका, अगर हमने कहा है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे तो हम बताएंगे कैसे बांधी जाएगी। भाई बस देखिए, आप देखिए, अब भाई आप सुनेंगे तब तो बता पाएंगे, लेकिन अगर आप ज्ञानी मेरी बहुत बड़ी गलती है जो मैंने आपसे पूछ लिया, और मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप सुनना नहीं चाहते। अरे आप सुनना नहीं चाहते, आप किसको काबिलियत दिखा रहे हैं, अपनी काबिलियत किसको दिखा रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनने के समझने कोशिश करिए। अगर आपको ये कहना है कि आप कहेंगे बार बार किसी से कहें कि आप मूर्ख हैं, तो जनता ने चुन के भेजा है, किसी को मुख्यमंत्री बनाया है, ऐसे तो नहीं बनाया है, और संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है। और अगर आपने ठीक है शीश महल वाली बात है, इन्होंने कोर्ट की, मैंने उस पर कोई वो नहीं किया, लेकिन आप ये कहें कि नहीं चोर है, तो या तो प्रूफ लाइए और सिद्ध करिए, और उसके बाद उनको जेल भेजिए, वो तो जेल भेजिए। लेकिन आप खड़े होके यहाँ पे रोज भाषणबाजी करेंगे पाव भर, तो वो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी भैया, ये समझ में आता है कि इनके नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी जमानत पे है, आरोप है, ठीक ना, आरोप है आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री। अरे भाई चुप हो जाए यार, चुप हो जाओ। मैं मानता हूँ कि आरोप है, भी सिद्ध नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री जेल में मसाज करा रहे, जमानत नहीं मिली, लेकिन इन्हीं के गठबंधन के सारे लोग, एक सजा याफ्ता लालू प्रसाद, उसको तो अदालत ने सजा याफ्ता किया, कैसे कह सकते हैं कि वो चोर नहीं है, चारा चोरी के आरोप में उनको अदालत ने सजा दी, और उनकी गोद में बैठ के ये लोग गठबंधन चला रहे हैं। ये ईमानदारी और भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये बताएंगे कि समाज कैसे चलता है, जाति क्या होती है? अरे आप जिसकी गोद में बैठे हैं, अदालत ने उनको सजा दी है, और वो सजा याफ्ता चारा चोर हैं, आपके साथ हैं, आप क्या जवाब देंगे? Now you please reply. प्रतीक भाई, आम आदमी पार्टी, प्रतीक भाई अभी ये कह रहे थे कि चारा चोर ये वो चोर, भारतीय जनता पार्टी के लंबी फेरिस्त है, जिनको खुद के इनके बोल लेने दो, अब बोल लेने दो भाई, अब बोल लेने दो, इनको चुप करा दो प्रतीक भाई, अब ये प्रायोजित लोग आकर के यहाँ पे जिस अनर्गल बात करते हैं पूरी तरीके से, ये गलत है प्रतीक भाई, इसका खंडन होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके पास, आपको सीधे आपको सार को गए रहे थोथा दे उड़ा, हाँ बिल्कुल, तो आप सार पे आइए ना, मैं बिल्कुल, हाँ। प्रतीक भाई जिस भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं,
वही फारे के फारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, बोलते हैं दूध के धुले हो जाते हैं, चाहे वो हेमंत बी शर्मा हो, चाहे वो रेड्डी ब्रदर्स हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, बहुत लंबी फेरिफ्त है। अगर भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल उनके फाथी के बस एक समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं किए। अगर आप मनी फिफोदिया अरविंद केजरीवाल का फाथ छोड़ करके मोदी जी फिर दोस्ती कर लेते आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री तो आप है भाई, मुख्यमंत्री तो आप है, कहाँ से आना हुआ साहब? सर उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। पौड़ी गढ़वाल से आए, क्या नाम है साहब आपका? राजेंद्र प्रसाद बिंजोला। राजेंद्र प्रसाद बिंजोला जी, मैं आ रहा हूँ। मैं एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, प्लीज आप उधर जाए। और हर तरह के लोग होते हैं समाज में, हर तरह के लोग समाज में होते हैं। और ये मैं मानता हूं कि कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करने के लिए कहीं तक जा सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करने के लिए वो कहीं किसी स्तर पर भी जा सकते हैं। इसलिए आप बैठिए, मेरी जिम्मेदारी है, वो लोग बैठ जाएंगे। जी जी जनाब बिजोला साहब। अरे उत्तराखंड से कुछ हवा वाला आयो, ठंडी कहा थैली अच्छा जी। हाँ बोलो। मेरा एक चीज है सर, हाँ। जो आरक्षण पे अभी बात चल रही थी पहले, हाँ। आरक्षण मिलना चाहिए जो गरीब है, लेकिन एक बार मिलना चाहिए, जब उसकी आर्थिक स्थिति ऊपर उठ गई, उसके बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, वो सारा जिंदगी चार पीढ़ी तक आरक्षण ही ले रहे हैं। डीएम का लड़का डीएम आरक्षण में क्रीमी लेयर वाली बात जो है ओबीसी में तो है, लेकिन वो ये बात कहते हैं कि आरक्षण में ये बात होनी चाहिए कि एक बार अगर जीवन स्तर उठ जाए। कहां से आए हो? बिहारी हूं। बिहारी, रुको, कहिए जनाब कहां से आना हुआ? बनारस से। बनारस से जी जी जी, जी। बाहर हूँ, एक बार पूछ लिया, गुप्ता जी से भी एक बार पूछ लिया, आपसे भी पूछ लिया। जी कुछ कहना है आपको? हमें ये कहना है, हमारे जो भाई हैं और जो लोग इस टीवी में इस समय इस चैनल को देख रहे हैं, मेरा दो शब्द कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं नहीं चुने गए हैं, इस देश की जनता ने उनको चुना है, पहले इस चीज का स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात है, इस देश के लिए दोबारा प्रधानमंत्री अगर कोई चुना गया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी चुने, मोदी जी चुने गए हैं, स्वयं में नहीं चुने गए हैं, इस देश की जनता बार बार चुन रही है। तीसरी चीज है, जहां तक जातिवाद को बांटने की बात है, कोई भी व्यक्ति हो, राजनेता कोई भी हो, मैं सबसे ये कहूंगा, इस देश को सबने कहा कि मिलजुल के रहो, अगर प्रधानमंत्री जी जातिवाद पर अगर जातिगणना नहीं कर रहे हैं तो इसका भी इस देश की जनता को स्वागत करना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, हमें एक रहना है, इसका नारा हमें देना है। तीसरी चीज है।